हेलो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स दिस इज डॉक्टर राजेश तिवारी फ्रॉम सीएसआईआर पॉइंट लाइफ साइंस जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए भाई और बताइए कि एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल आर नॉट जरा बता दीजिए आप लोग कि ऑडियो वीडियो क्लियर है ना जल्दी आप लोग आ जाइए हम लोग बायोकेमिस्ट्री के तमाम बेसिक टॉपिक्स सेप्चुअल टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद आज उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बायोमालिक्यूल है अमाइनो एसिड उस पर बात करने वाले हैं ओके देखिए हमने इसमें टॉपिक लिया है बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में जो डिफरेंट टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें बायो मालिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसका एक पार्ट आप जानते हैं कि मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म एक पार्ट है तो पहले हम लोग यहाँ पे बायो मालिक्यूल की बात कर रहे हैं बायो मालिक्यूल की और उन बायो मालिक्स में से भी पहले हम अमाइनो एसिड की बात करने चल रहे हैं तो आप जानते हैं कि जो अमाइनो एसिड है प्रोटीन है ये सब हमारे से आर पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी जो रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो हमने आपको मालूम ही है कि शुरू के हमने कुछ क्लासेस ले करके और बायोकेमिस्ट्री के जो डिफरेंट जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स होते हैं उनको हमने डिस्कस कर दिया है हम लोग बॉन्डिंग इन डिफरेंट बायो जानते हैं हम लोगों ने एबसलूट कन्फिग्रेशन देखा है हम लोगों ने ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया हुआ है याद करिए ये सारी बातें बेसिक हम लोग कर चुके हैं मतलब बायो मालिक्यूल या बायो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जो बेसिक बातें हो उन सारी बातों को हम लोगों ने देख लिया है अब उन सारी बातें जो हमने कॉन्सेप्चुअल बातें पढ़ी हैं इंफॉर्मेशन पढ़ी हैं उनका हम लोग को यूज करना है डिफरेंट बायो मालिक्यूल्स और बायो के डिफरेंट टॉपिक पढ़ने के लिए तो आज जो डिफरेंट बायो मालिक्यूल्स हमारे सिलेबस में है उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो मालिक्यूल अमाइनो एसिड की बात हमें आपसे करने चल रहे हैं और हम सब लोग जानते हैं कि जो अमाइनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और प्रोटीन हम जानते हैं कि हमारे पूरे बायो मालिक्यूल्स के लिस्ट में या पूरा आप कह लीजिए हमारी जो सेल सिस्टम है या हमारा जो फिजोलॉजिकल सिस्टम है उसमें वैरायटी ऑफ रोल प्ले करता है प्रोटीन आप जानते हैं उसकी कैटलेटिक प्रॉपर्टी भी होती है स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी भी होती है उसकी आप जानते हैं ट्रांसपोर्टिंग प्रॉपर्टी भी होती है तो डिफरेंट प्रोटीन्स की जो डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए असल में हमको हमको यहाँ पे अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी जानना जरूरी होता है तो अगर हमको अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी अगर क्लियर हो तो अमाइनो एसिड से बनने वाले जो हमारे प्रोटीन्स उनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट जो हम बायोमालिकूल प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए या उसको जो अफेक्ट करने के लिए जो दूसरा जो है पार्ट वो है अमाइनो एसिड है और अमाइनो एसिड क्या है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है जिसमें ढेर सारे अमाइनो एसिड आप जुड़ के क्या बनाते हैं प्रोटीन बनाते हैं ये बात हम लोग जानते हैं तो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ये बात हम देख रहे हैं अब देखिए जरा आप हमको बता दीजिए भाई कि आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है ना ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरी वॉइस और ये सारा फिगर आपको दिखाई दे रहा है ना ये ध्यान दीजिएगा ऑडियो वीडियो क्लियर है जरा हमको बता दीजिए कोई आदमी आप में से जो लोग जुड़े हैं प्लीज आप में से कोई बता दे कि ऑडियो वीडियो क्लियर आपको मिल रही है ना ये इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑडियो वीडियो भाई ठीक है देखते हैं तो अब क्या मिलेगा मैंने कहा आपसे कि हम अमाइनो एसिड क्यों पढ़ना चाह रहे हैं मैंने बताया कि ये प्रोटीन जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोमालिक्यूल है जिसके स्ट्रक्चरल रोल्स भी हैं जिसके कैटेलिटिक फंक्शनल रोल्स भी हैं जिसमें आप जान ट्रांसपोर्टिंग एजेंट की तरह भी काम करता है उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए या उसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए उसके जो कंपोनेंट्स हैं अमाइनो एसिड जो होते हैं जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनको जानना हमारे लिए जरूरी होता है तो वो तो बात है ये साथ में क्या है कि हमारे क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम्स हैं चाहे आपका सी हो और चाहे बाकी रिलेटेड एग्जाम्स हो वहाँ पे हमको अच्छे खासा क्वेश्चन देता है इसलिए हमारे लिए भी और इम्पोर्टेंट है अब देखिए अगर हम कहें कि आखिर में होता क्या है अमाइनो एसिड तो देखिए नाम में ही लगा है अमाइनो और एसिड अमाइनो एरो लगा हुआ है तो आप जानते हैं केमिस्ट्री में आप जानते हैं जो अमाइनो ग्रुप है अमाइनो तो अमाइनो जो ग्रुप होता है वो होता है ये एन एच टू ये अमाइनो हो गया और जो एसिडिक ग्रुप जो होता है जिसको हैं फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो एक्चुअली है क्या अमाइनो एसिड क्या होता है बायोमालिक्यूल होता है एसिड क्या होता है बायोमालिक्यूल होता है एक बात आप जा समझ लें अभी देखिए हमारे सामने जो फिगर है ये तो इसमें से आप देख रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन दिख रहा है हाइड्रोजन दिख रहा है ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है है ना हालांकि कुछ ऐसे भी अमानोसिड्स होते हैं जहां पे सेलिन यहाँ पे सेलेनियम जो होती है वो यहाँ पर पाई जाती है सेलेनियम भी पाई जाती है आप जानते हैं सल्फर भी पाई जाती है लेकिन जितने भी बाय जितने भी अमानोसिड होते हैं उन सभी में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अवश्य पाए जाते हैं हम इनको डिफाइन कैसे कर सकते हैं भाई गुड इवनिंग अश्विनी और निशा आप लोगों से मैंने एक बात कहा था जरा बता दें कि ऑडियो वीडियो तो क्लियर है ना कोई डाउट तो नहीं इसमें ऑडियो और वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये जरा बता दीजिए प्लीज तो इस तरह से आप हम इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जो एसिड क्या होते हैं ये बायोमालिक्यूल हैं मतलब लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं या लिविंग सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं है ना ऐसे मालिक्यूल जो लिविंग सिस्टम में बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं या बायोलॉजिकल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हुए कहलाते कर हैं बायो मालिक्यूल तो आप देख रहे हैं कि ये बायो मालिक्यूल है और किसके बने होते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं कुछ केसेज में सेलेनियम और सल्फर भी पाए जाते हैं ठीक है ना हम कैसे डिफाइन करें कि अमाइनो एसिड्स आर बायोमोलिक्यूल्स मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन समटाइम्स दे आल्सो कंटेन सेलेनियम और यहाँ पे असल में क्या पढ़ेंगे सेलेनोसिस्टीन पढ़ेंगे वहां पर आएगा सेलेनियम एंड सल्फर ये भी हो सकता है और साथ में क्या है अगर इनके फंक्शनल ग्रुप देखे जाए तो आप देख रहे हैं साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है ये कौन सा ग्रुप है ये आपका है अमाइनो ग्रुप है जो है अमाइनो ग्रुप होता है और आप जानते हैं सीओ कैसा होता, होता है एसिडिक ग्रुप होता है आप देख रहे हैं कि इसमें दो दो ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं हैं इसे क्या बोलते हैं हम लोग अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड तो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने के नाते इसमें एक का नाम है अमाइनो एक का नाम है एसिड नाम पड़ गया अमाइनो एसिड तो पूरी डिफिनेशन आप कैसे बताएंगे तो आप कहेंगे कि

कि जो अमा क्या होते हैं एक प्रोटीन नाम के वेरी कम इंपॉर्टेंट बायोमालिक्यूल क्या होते हैं ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मतलब ये सब जो होते हैं यूनिट्स होते हैं और हम लोग जब बाइडिंग सिस्टम पढ़ रहे थे वहां पे आपको दिखाया गया था कि डिफरेंट जो अमाइनो आगे भी दिखाएंगे हम जनरल बात जो कर चुके हैं वो तो पूरे बायोकेमिस्ट्री एज होल के रेस्पेक्ट में किया था लेकिन इंडिविजुअल आज हम शुरू कर रहे हैं अमाइनो एसिड को तो इसमें वो जहां जहां जो बातें हमने पढ़ी भी हैं उनको भी यहाँ पर हम आप यूटिलाइज करेंगे और इसमें कुछ भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं ठीक है, है ना हाँ ये है कि अगर अब जो हमने पिछले क्लासे में जो जनरल बायो हमने पढ़ाया है जो हमने डिफरेंट टाइप के हमने यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री उसकी हमने डिस्कस करी है हमने बॉन्डिंग डिस्कस करी है हमने कन्फिग्रेशन डिस्कस किया है हमने ऑप्टिकल बिहेवियर हमने वहाँ पे डिस्कस किया है तो वो सारी बातें अगर आप पहले से अगर आपके दिमाग में होगी जो हमने चार पांच लेक्चर में पूरा किया था तो अब उन सारी बातों को अगर आपके आपके समझ में वो सारी बातें अगर हैं तो इनको आप डिस्कस करने में हम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हालांकि दोबारा मान लीजिए अगर कुछ आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है कि, कि किसी कारण से पिछले लेक्चर नहीं देख पाया है तो उसको मैं अब साठ में यहाँ भी जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी मैं रिवाइज कर दिया करूंगा हिंट कर दिया करूंगा उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है लेकिन मेरी एडवाइस यही है जो जिन क्लासेज में हमने आपको जनरल बायोकेमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे या नेसेसरी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे स्पेशली उसमें ध्यान दीजिएगा बॉन्डिंग इन डिफरेंट बायो बायोमालिक्यूल्स और स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट बायो बायोमालिक्यूल्स कन्फिग्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बायो बायोमालिक्यूल जो मेन बातें थी उसको आप लोग अवश्य रिवाइज कर लीजिएगा तो अब ये सारी वीडियो देखने में आपको हर बात समझ में आई करेगी ठीक है ना तो देखिए यहाँ पे क्या कहा कि हमारे पास अमाइनो एसिड है क्या पहचान है अमाइनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होता है ये आपको मालूम होना चाहिए पूरी डिफिनेशन क्या होती है पहले क्या देखना है किसका किसका बना है तो कार्बन है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन ये तो अवश्य पाया जाता है इसके अलावा कुछ अमाइनो एसिड में सेलेनियम और सल्फर भी पाया जाता है ये हो गया इसका हमारा डिफिनेशन अच्छा अब देखिए ऐसा हमने तो ये पार्ट बनाया हुआ है लेकिन तमाम बुक्स जब आप पढ़ेंगे तो उन बुक्स में क्या दिखाई पड़ेगा आपको उन बुक्स में आपको इस फार्म में लिखा हुआ मिलता है तमाम बुक्स जब रेफरेंस कोई बुक पढ़ेंगे या किसी का कोई नोट्स पढ़ेंगे या किसी व्यक्ति का अगर किसी किसी टीचर का किसी मेंटोर का मेंटोर आप लेक्चर सुनेंगे तो मेजोरिटी ऑफ केसेज में आपको यह फार्म लिखा मिलता है असल में होता क्या है ये फार्म कैसे आता है याद रखिएगा कि जो सीओ एच ग्रुप होता है ना इसमें जो हाइड्रोजन जुड़ी है वो ओ के साथ जुड़ी है मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है मान लिये ऐसे हम बना देगा कि ये जो हमारा ये है असल में COH का जो स्ट्रक्चर होता है, का है, है OH. कार्बोक्सिलिक ग्रुप का स्ट्रक्चर असल में यही है ध्यान OH. दीजिएगा तो आपका जो सीओ ग्रुप यहाँ लिखा हुआ है उसकी रियल स्ट्रक्चर ये होती है ये होती है ये जो आप सीओ एच यहाँ पे लिखे हुए हैं उसकी रियल स्ट्रक्चर ये होती है अब थोड़ा सा एक बात याद कर लीजिए इसमें सी डबल जो ग्रुप होता है इसे हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप ये कहलाता है कार्बोनिल ग्रुप और ये क्या है वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन पुलर ग्रुप होता है तो होता क्या है असल में यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे छीन लेती है ऑक्सीजन जिससे ओ पे आता है नेगेटिव चार्ज और सी पे आता है पॉजिटिव चार्ज और आपका जो डबल बाड है उसमें से एक बाड आपका टूट जाता है ध्यान दीजिएगा तो इस तरह से फाइनली क्या आ जाएगा कि आपका इसकी इसकी फिगर हम बदल के लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं सी अब आपका देखिए सिंगल हो जाएगा ये o हो जाएगा ठीक ना क्यों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के चले गए पास तो आपका एक जिसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है अब वो बाड नहीं रह जाएगा सिंगल बाड हो जाएगा और ओ पे आ गया माइनस चार्ज और सी पे आ जाएगा आपका प्लस चार्ज यहां पर आ जाएगा और आपका ओ एच OH है तो आपका हो गया ओ और यहाँ पर हो गया एच इस तरह से अब देखिए होता क्या है कि जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होता है ये, ये क्या करता है सीओ बा इलेक्ट्रॉन का अपनी तरफ खींच लेता है तो ओ पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव पार्षिय। चार्ज आ जाता है इस ओ पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव पार्षिय। चार्ज और जो पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है तो क्या करती है कि ओ एच बाड के इलेक्ट्रॉन को ये छीन लेती है ऐसे छीन लेगी और ये बाड आपका टूट जाता है और आसानी से यह चाय से बाहर निकल जाता है तो अगर आप इतना समझ जाए तो बड़ी अच्छी बात है नहीं तो कम से कम इतनी बात जानिए कि सी का जो स्ट्रक्चर ये वाला होता है ये स्ट्रक्चर यही है सी का स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर के नाते जो ऑक्सीजन होती है ये क्या करती है इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे छीन लेती है ये बांड टूट जाता है और इसमें से क्या बाहर निकलता है से निकलता है एच प्लस आय बाहर निकलता है एच प्लस आयन को हम लोग प्रोटान कहते हैं ना तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है प्रोटान यहाँ पे निकलता है तो किसी भी ग्रुप से प्रोटॉन का बाहर निकलना कहलाता है डी प्रोटोनेशन कहलाता है डी प्रोटोनेशन तो हुआ क्या कि असल में सीओ एच ग्रुप है इसमें से क्या निकलेगा इसमें से आपका प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा ये बात याद रखिए अगर पूरा केमिकल एक्सप्लेनेशन जानना है तो हमने जो बताया यहां पर था हालांकि ये बहुत जानना आपके लिए आवश्यक नहीं है जान जाए तो अच्छा ही है ना जाने तो भी कोई बड़ी बात नहीं है इतना जरूर याद रखें कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें से जो एच के साथ लगी हुई वो होती, है। वो बहुत बहुत पुलर होती है तो ओ एच के को छीन लेगी ऑक्सीजन छीन लेगी तो आपका मतलब इसको ये निकलना कहलाता है डी प्रोटोनेशन यानी इसका क्या हुआ डी प्रोटोनेशन हुआ इसके बाद आप एक बात और जानते हैं जो एन एच टू ग्रुप है इसमें जो नाइट्रोजन होती है याद रखिएगा तो नाइट्रोजन के पास आप जानते हैं एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है डाट को आप इलेक्ट्रॉन पेयर समझिएगा जो अनयूट है जिसका उपयोग नहीं हुआ है इसे कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके यन क्या करती है जो यहां से एच निकला है ना उसको जोड़ लेती है यानी एच जो है गाकर कहीं पर अब जुड़ जाएगा याद रखिएगा अब बताइए जब मैं यहां से एच को निकाल दू तो एच आपका प्लस पार्ट निकला और प्लस पार्ट निकलने के बाद क्या था इस ओएच OH बांध के इलेक्ट्रॉन को ओ ने खींचा था ओ ने छीना था तो ओ ने चुकी इलेक्ट्रॉन को छीना इसलिए ओ पे कौन चार्ज जाए आ जाएगा माइनस आ जाएगा देखिए आपका माइनस चार्ज आ गया और जब यहां से निकलने वाले एच को मतलब प्रोटॉन को जब यन ने अपना लोन पेयर खर्च करके जोड़ लिया तो जब कभी भी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर खर्च करके बांड बनाती है तो उस कंडीशन में एन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और देखिए यहां पर एन एच टू था एक के और जुड़ गया तब आपका बन गया है एन एच थ्री और एन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज ठीक है ना तो हमारा ये जो फार्म कौन सा है ये प्रोटोनेटेड फार्म है ये है प्रोटोनेटेड फार्म तो अधिकांश बुक्स में रेफरेंस बुक में तमाम पीडीएफ में मेंटोर एंड टीचर्स के लेक्चर में लेक्चर में जो आपको ये फार्म दिखाया जाता है असल में क्या है प्रोटोनेटेड है यानी यहां से एच निकल के जाके यहाँ पे जुड़ गया है तो जब एच निकल गया है मतलब प्रोटॉन असल में निकल गया है एच प्लस निकल गया है तो आपका यहाँ पर आ जाएगा सीओ माइनस आ जाएगा और जब एच प्लस जाके यहाँ जुड़ जाएगा तो एन एच टू को अपना लोन पेयर खर्च करना पड़ेगा और जब एन अपना लोन पेयर खर्च करती है उस पर आ जाता है प्लस चार्ज तो इसी एन एच टू में एक एच यहाँ जुड़ गया है तो आपका हो गया है एन एस थ्री ये कहलाता है प्रोटोनेटेड फॉर्म तो अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हमारे पास हैं एक है नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म जहां पे एनएस टू आपका प्योर एनएसटू है अमाइनो है और सी एच आपका पूरा का पूरा एसिडिक फॉर्म में है ये हमारा हो गया प्रोटोनेटेड फॉर्म ठीक है ना लेकिन जब इसी में से यहां से प्रोटॉन निकाल के आप यहां पहुंचा देंगे तो बन जाएगा ये हो जाएगा नॉन प्रोटोनेटेड यहाँ पे सॉरी ये आपका हो जाएगा प्रोटोनेटेड फॉर्म और ये हमारा है नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ये बात आप समझ गए होंगे तो चाहे ये लेके पढ़िए और चाहे पढ़िए अधिकांश जगहों पे यही लिखा हुआ है को लेके बात करेंगे लेकिन ये कैसे बना होगा ये जानना आपके लिए जरूरी है आई थिंक मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे ठीक ना तो इस तरह से हमारा अमाइनो एसिड का परिचय हमारा हो गया अब देखिए एक बात और समझना है कि हम जानते हैं हमारे पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम में केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ढेर सारे मोर देन हंड्रेड फिफ्टी टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं लेकिन अगर हम अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में बात करें जहां पे हम ये कहते हैं कि मैसेंजर आर एन ए पर प्रेजेंट जो कोडन्स हैं जान लीजिए जा आप लोग इतने जेंटिक्स पढ़े होंगे कि मैसेंजर आर एन ए पर प्रेजेंट जो कोडन्स हैं उनके डायरेक्शन में उनके इंस्ट्रक्शन में जो राइबोसोम होता है वो जानते हैं कि अमाइनो एसिड को एक सिक्वेंस में जोड़ देता है इसे आपने पढ़ा होगा ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस के नाम पर तो जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं जो अमाइनो एसिड है ना जो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं ठीक उनका नंबर जो है वो कितना है ट्वेंटी टू है यानी आउट ऑफ मोर देन जो हंड्रेड फिफ्टी केमिकली अमाइनो एसिड्स हैं भाई केमिस्ट्री में तो हम उन सारे कंपाउंड कंपाउंड को बोलेंगे अमाइनो एसिड जहां पे अमाइनो ग्रुप होता है और एच डी ग्रुप होता है है ना केमिस्ट्री में तो हम सारे के सारे उन कंपाउंड को बोलेंगे अमाइनो एसिड जिनके पास NH2 भी है और CH2 भी है और ऐसे कंपाउंड की संख्या तो मोर देन 150 है 150 है लेकिन हमारे बायो में या बायो मालिक्यूल में क्या है इनकी संख्या जो है हम उन्हीं को कंसीडर करते हैं जो ट्रांसलेशन के समय राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन या पाली बनाने में इनकारपोरेट होते हैं तो जो ट्रांसलेशन के समय या प्रोटीन सिंथेसिस के समय राइबोसोम द्वारा पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में जुड़ते हैं उन्हें असल में हम कहते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड और उनकी संख्या होती है ट्वेंटी टू बाईस होती है तो इस तरह से आप याद रखिएगा आप लोग जेनेटिक कोड पढ़े हुए हैं तो जो जेनेटिक कोड के इंस्ट्रक्शन में जेनेटिक कोड कहां पड़ते है एम पर आप जानते हैं मैसेंजर आरएनए पर आप जानते हैं कि तीन तीन बेसिस के वहां पे आप जानते हैं सेट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कहते हैं तो जो कोडन्स के इंस्ट्रक्शन में राइबोसोम द्वारा आपस में जोड़ दिए जाते हैं पाली प्रोटीन बनाने के लिए उन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एसिड्स और उन की संख्या कितनी है बाईस है ट्वेंटी टू है याद रखिए एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं कि आप जानते हैं कि हमारे जो सिक्सटी फोर आप जानते हैं हमारे फोर कोडन्स होते हैं तो सिक्सटी फोर कोडन में से याद रखिएगा जो 61 जो इकसठ कोडन होते हैं आप जानते हैं उन्हें हम कहते हैं सेंस कोडन है ना और तीन जो होते हैं वो कहलाते हैं नॉन सेंस कोडन याद रखिएगा जो उसमें आप देखिएगा कहीं कहीं बुक्स में आपको लिखा मिलता है कि 20 होते हैं बायोलॉजिकल अमाइनो एसिड्स या स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स और कहीं कहीं आपको नंबर मिल जाए कितना बाईस मिलता है ट्वेंटी मिलता है ठीक है ना याद रखिएगा अगर मैं आपसे बात करूं तो हमने आपसे कहा, कहा कि हमारा जो एसिड है अमाइनो एसिड तो इनको हम कहते हैं ध्यान दीजिएगा इनको हम कभी कभी कहते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स या इन्हीं को हम बायोलॉजिकल अमाइनो एसिड भी कहते हैं बायोलॉजिकल एसिड कहते हैं और दूसरे हमारे हो जाएंगे नॉन स्टैंडर्ड नॉन डर्ड अमाइनोसिट्स नॉन स्टैंडर्ड अमाइनोसिट्स हालांकि एक बीच में सेमी स्टैंडर्ड भी होते हैं तो कभी उसको हम छोड़ते हैं भी जो दो बात कर रहे हैं तो मैंने आपसे कहा कि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपसे कहा है कि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जिन कंपाउंड में COOH और NH2 होता है उसे हम अमाइनो एसिड कहेंगे यही ना केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जिन कंपाउंड में NH2 और COOH होता है उसे हम कहेंगे अमाइनो एसिड और इनकी संख्या कितनी 150 से भी ज्यादा है लेकिन उसमें से ध्यान दीजिएगा उन ढेर सारे जो एसिड है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें से जो अमाइनो एसिड ट्रांसलेशन के समय यानी प्रोटीन सिंथेसिस के समय क्या होते हैं राइबोसोम द्वारा आपस में जोड़ करके पाली के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्या स्टैंडर्ड कहते अमाइनो एसिड तो क्या हम बोलेंगे कि दोज अमाइनो एसिड्स विच आर इनकार सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बाय द राइबोसोम अंडर द रेगुलेशन ऑफ एम आर एन एंड कोडन यानी और उसके जेंटी कोड के इंस्ट्रक्शन में राइबोसोम द्वारा जो एसिड आपस में जोड़े जाते हैं प्रोटीन बनाने के लिए अथवा पालीपेप्टाइड बनाने के लिए उन्हें कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड एसिड कहते हैं ठीक है ना तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो ढेर सारे एसिड्स हैं लेकिन उसमें से याद रखिए कि केवल 20 और कहीं कहीं 22 लिखा है 20 या 22 लिखा है सिर्फ वही एसिड्स को याद रखिएगा जो ट्रांसलेशन के समय प्रोटीन सिंथेसिस के समय इनकार्पोरेट होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में वो कहलाते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स और बाकी जो बच गए जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में या पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में या प्रोटीन चेन बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते जो राइबोसोमिकली आपस में नहीं जोड़े जाते उन्हें हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है ना ये बात याद रखिएगा अब देखिए जो स्टैंडर्ड माइन हैं हमने कहा कहीं कहीं कुछ बुक्स में इनका नंबर जो होता है वो ट्वेंटी लिखा है और कहीं कहीं पे ये ट्वेंटी टू लिखा हुआ है ठीक है ना हम लोग ट्वेंटी टू मान के चलेंगे असम देखिए थोड़ा अंतर इसमें यह है याद करिए आपने पढ़ा था कि जो कोडन्स होते हैं कोडन्स आप जानते हैं इसमें से दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं सेंस कोडं सेंस कोडन आपने पढ़ा होगा और एक होते हैं नॉन सेंस कोडन नॉन सेंस कोडन और नॉन सेंस कोडन को आप जानते हैं ध्यान दीजिएगा नॉन सेंस कोडन को ही तो आप लोगों ने स्टॉप सिग्नल पढ़ा होगा ना कि जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को स्टॉप कर दे रोक दे वही कहलाते हैं नॉन सेंस कोडन और हम लोग ये कहते हैं पढ़ते आ रहे हैं नॉन सेंस कोडन का कोई अमाइनो एसिड नहीं होता यही पढ़े ना हम लोग याद करिए हम पढ़े हैं कि नॉन सेंस कोडन का कोई अमाइनो एसिड नहीं होता और जो सेंस कोडन याद रखिएगा जो सेंस कोडन होते हैं हालांकि अभी मैं अपनी बात बदलूंगा चीजें बदल चुकी हैं अब तो नॉन सेंस कोडन की संख्या कितनी है सिक्सटी वन है और ये सॉरी सेंस कोडन संख्या है और नॉन सेंस कितने होते हैं तीन होते हैं और इनको आप पढ़े भी हो कौन कौन होते हैं आप जानते हैं U -A -A, U -A और के तीन होते हैं आप जानते हैं और बाकी सब के सब जानते हैं होते हैं याद रखिए जो 20 अमाइनो एसिड है 20 ध्यान दीजिए जो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं उन 20 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं सेंस कोडन सेंस कोडन कोड करते हैं याद रखिए हमारा जो साइंस है वो तो क्या रेगुलरली डेवलप होने वाला साइंस है मान लीजिए किसी एक साइंटिस्ट ने कोई बात वहां पे रिपोर्ट आउट करी हो सकता है बाद में कोई और टेक्नोलॉजी एडवांस डेवलप हो जाए और रिसर्च हो जाए कोई नई बात सामने आ जाए तो शुरू शुरू में याद रखिएगा जब ये जेंटी कोड हमारे डिस्कवर हुए थे तो उस समय याद रखिएगा हम जो इकसठ कोडन है सिंसी, जो 61 कोडन इनके द्वारा कोड होने वाले अमाइनो एसिड को हम लोग जानते थे यानी पता चल गया कि किस कोडन का संबंध किस अमाइनो एसिड से है तो जब जिनका जिनका रिलेशन अमाइनो एसिड से कंफर्म हो गया उसे कह दिया गया सेंस अमाइनो सेंस कोडन। यानी जिन कोडन का किसी न किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड से रिलेशन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन उन्हें कह दिया गया सेंस कोडन यही ना हम कैसे बोलते हैं कि आउट ऑफ 64 फोर कोडन होते हैं आपके कितने 64 होते हैं तो 64 कोडन में सारी बात हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे क्या मालिक्रो में पढ़ेंगे तो टोटल 64 कोडन में से जो कोडन किसी न किसी अमाइनो एसिड को कोड करे या जिस समय मैसेजर आर के इंस्ट्रक्शन में राइबोसोम अमाइनो एसिड को लिंक कर रहा होगा पेप्टाइड बांड से उस प्रोसेस में यानी कि ट्रांसिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो है ना तो उसे हम क्या कहते हैं सेंस कोडन कहते हैं तो जितने का संबंध किसी किसी न अमाइनो एसिड से है वो कहलाते हैं सेंस कोडन कोडन लेकिन जो तीन है यू ए ए इनके बारे में इनके डिस्कवरी के समय पता नहीं चला था तो इनके फंक्शन के बारे में शुरू शुरू में नहीं पता चला इन्हें कह दिया गया नॉन सेंस कोडन कह दिया गया हालांकि बाद में पता चला कि जिनको हम नॉन कोडन कह रहे हैं ये भी क्या करते इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इनका फंक्शन क्या होता है कि जब कंप्लीट पाली जो रिक्वायर्ड लेंथ की है बन जाती है तो उसमें क्या होता है सॉरी तो उस समय जब रिक्वायर्ड लेंथ की जब पाली चेन बन जाती है तो अब भाई मान ली हम कह रहे हैं कि आपने कोई काम आपने करना शुरू किया मान लिया अब दीवार बनवा रहे हैं तो आपकी वाल या दीवाल जहां से बन रही है कहां से शुरू होना है ये बताने वाला कोई आदमी चाहिए कितनी लंबी दीवार है ये बताने वाला कोई चाहिए और दीवार का बनना कहाँ पे रोक दिया जाए यह भी तो इंपॉर्टेंट काम है कि दीवार बनना शुरू की तो आप दीवार बनाते रहेंगे क्या इलाहाबाद से लेके पहुंच जाएंगे कन्याकुमारी तक पहुंच जाएंगे ऐसा तो है नहीं आप जानते हैं कहां तक कितनी लंबी आपकी दीवार बननी है तो एक व्यक्ति ऐसा भी चाहिए जो बताए कि भैया तुम्हारी दीवार यहीं तक बननी थी बन गई तुम्हारी दीवार अब रोक दो दीवार का बनाना ठीक है ना तो अब ये लोग जो है, है असल में क्या करते हैं कि जिस समय पाली चेन बन रही होती है अमाइनो एसिड जोड़ जोड़ के उसकी लंबाई बढ़ाई जा रही होती है उस समय यही जो हमारे कोडन्स हैं यही ये यह बताते हैं कि बस करो अब जितनी लंबी चेन बननी थी वो बन चुकी है अब प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टॉप कर दीजिए इनको कह दिया गया स्टॉप सिग्नल कह दिया गया तो जिनको पहले हमने कहा था नॉन सेंस कोडन वास्तव में क्या है स्टॉप सिग्नल है या इनको आज हम बोलते हैं टर्मिनेशन कोडन यही ना अब जरा समझिए कि 20 और 22 का क्या मामला है भाई याद रखिए हमारी शुरू में क्या बात थी हमने ये माना था कि जो सेंस कोडन होते हैं यही खाली किसी न किसी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं शुरू शुरू में तो उस समय पता चला कि हमारे खाली ट्वेंटी एसिड्स हैं जिनको इन सेंस कोडन द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है और इसलिए तब स्टैंडर्ड इस अमाइनो एसिड की संख्या यहां पे बीस बताई गई थी बाद में पता चला ध्यान दीजिएगा यहां पे सेलिन और हाइड्रोक्सी प्रोलिन या नाम यहाँ की में हम ऑल दी टू अमाइनो एसिड के इंडिविजुअल स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी आपको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं तो कुछ बातें जो है आज मैं खाली बस ऐसे नाम बोल के छोड़ दूंगा वो आने वाले क्लासेज में पूरा उसका बकायदे बढ़िया सा केमिकल स्ट्रक्चर ड्रा करके और उसकी सारी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी और फंक्शन को भी हम डिस्कस करेंगे तो मैंने आपसे क्या कहा कि शुरू शुरू में खाली ट्वेंटी जो अमाइनो एसिड्स हैं उनका रिलेशन पाया गया इससे सेंस कोडन से लेकिन बाद में देखा गया कि दो और अमाइनो एसिड हैं एक का नाम है सेलिन और एक का नाम है हाइड्रोक्सी प्रोलिन वो क्या करते हैं वो इनसे नहीं बल्कि जिनको कह दिया गया कि जिनका कोई कोडन नहीं जिनका कोई अमाइनो एसिड नहीं होता जो किसी को भी कोड नहीं करते वास्तव में बाद में पता चला रिसर्च में कि ये भी दो को कोड करते हैं जिसको आपने नॉन सेंस कह दिया था ये भी दो को कोड करते हैं और एक उसमें से एक का नाम है सेलिन और एक का नाम है तो अब याद ये बात आप याद करिएगा कि सेंस कोडन से कितने कोड होते हैं बीस और नॉन सेंस जिसके डिफिनेशन में ही कहा जाता है कि ऐसे कोडन जो किसी को कोड नहीं करते बल्कि पाली पेप्टाइड जो बन गई है उसको बनने को रोक देते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं जो वास्तव में टर्मिनेशन कोडन्स हैं जो वास्तव में स्टॉप सिग्नल्स हैं वास्तव में बाद में क्या पता चला कि ये भी इनमें से भी जो दो होते हैं वो दो अमाइनो एसिड को कोड करते हैं और उनमें से एक का नाम है सिस्टीन सॉरी सेलिन ये आपका एक सेलिन है और एक कौन सा है हाइड्रोक्सीप्रोलिन हाइड्रोक्सी है ना तो इनको कौन कोड करता है इनको कोड करते हैं यही लोग नॉन सेंस कोडन तो जो बीस की संख्या हमारी थी वो दो संख्या यहां पे और बढ़ जाती है और वही हो जाता है हमारा ट्वेंटी टू हो जाता है तो ट्वेंटी और ट्वेंटी टू का हिसाब किताब जरा समझे रहिएगा कि किस कंडीशन में हम ट्वेंटी कहते हैं और किस कंडीशन में ट्वेंटी टू कहते हैं तो जो शुरू शुरू की हमारी इंफॉर्मेशन थी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन उनमें कहा गया था कि खाली 20 अमाइनो एसिड को ही हमारे कोडन कोड करते हैं लेकिन बाद में क्या पता चला कि नहीं दो और भी हैं इनको भी हमारे कोडंस कोड करते हैं लेकिन बड़ी बात है ध्यान दीजिएगा ये जो 20 होते हैं इन्हें कौन कोड करता है इन्हें कोड करता है सेंस अमाइनो एसिड है ना और जो ये दो लोग हैं इनको कौन कोड करते, है? करते हैं नॉन सेंस कोडंस यहां पे कोड करते हैं नॉन सेंस कोडन कोड करते हैं यानी जिसे कहा गया था कैसे कोडन जो किसी को कोड करते ही नहीं बाद में पता चल नहीं ऐसी बात नहीं है भाई जिनको हम नॉन सेंस कह रहे हैं जिनको हम नॉन कोडिंग कह कह रहे रहे हैं हैं जिनके लिए कह रहे कि इनका किसी अमाइनो एसिड से कोई रिलेशन नहीं है बाद में ऐसी बात नहीं है ये भी दो को कोड करते हैं सेलिन को हाइड्रोक्सी प्रोलिन को याद रखिएगा यही वो दो संख्या यहां पर बढ़ जाती है ठीक है ना अब बताइए जब हम ये कहते हैं कि हमारा अमाइनो एसिड स्टैंडर्ड है अथवा नॉन स्टैंडर्ड है तो हम स्टैंडर्ड किसे कहते हैं याद रखिएगा हम कहते हैं कि वे अमाइनो एसिड जो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में राइबोसोम द्वारा आपस में मतलब उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है पॉलीपेप्टाइड जब बनाने में यानी वे अमाइनो एसिड जो पॉलीपेप्टाइड बनाने में इनकॉर्पोरेट होते हैं लगते हैं जिनको लगा के प्रोटीन बनाई जाती है वो कहलाते हैं नॉन सॉरी वो कहलाते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड अब उसमें ये तो कहीं नहीं लिखा है कि उनको कौन तो नॉन सेंस कोड -कोड़ करेगा, करेगा ये तो कहीं बात है नहीं वहां तो यही बात ना कही जा रही है कि ऐसे अमाइनो एसिड ध्यान दीजिएगा ऐसे अमाइनो एसिड्स जो क्या होते हैं जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस द्वारा पाली चेन में इनकारपोरेट हो जाते हैं लगाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या उन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड तो उसमें कहीं नहीं है कि उनको सेंस कोडन कोड करेगा करेगा कि कोडन कोई भी कोड करे कोई भी कोडन उनको कोड करे अगर वो अमाइनोसिड एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन में इनकारपोरेट होता है जुड़ता है राइबोसोम जिसको उसमें इनकारपोरेट करता है उसे हम कहते हैं सेंस सॉरी उन्हें कहते हैं हम क्या स्टैंडर्ड कहते हैं और इसीलिए इनकी संख्या ट्वेंटी दो ए वाले जुड़ गए तो हो गया ट्वेंटी टू तो कुल मिलाकर के हम लोग ट्वेंटी टू अमाइनो एसिड को ही यहाँ पे हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहेंगे तो जब हम स्टैंडर्ड वर्ड नहीं भी यूज करेंगे अगर हम खाली अमाइनो एसिड वर्ड भी यूज करेंगे तो आप समझिएगा कि हम स्टैंडर्ड की बात यहाँ पे कर रहे हैं ठीक है ना ये पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जब 20 से बढ़ के 22 की बात हुई तो जो एडिशनल टू हैं एडिशनल टू हैं उनको ये कोड करते हैं नॉनसेंस कोडन कोड करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बायोकेमिस्ट्री का है ठीक है ना गुड इवनिंग राजेश ठाकुर जी अब तो कोई डाउट नहीं हुआ ना ए 18 सॉरी 20 और 22 का संबंध क्लियर हुआ ना कि कब तक हम 20 कह रहे थे और कब कब किस से हम 22 कहने लग गए तो जो यहाँ पे दो एक्स्ट्रा है वो कौन है ध्यान दीजिएगा जो दो एक्स्ट्रा है, वो ये लोग हैं और इनको कोड करता है कोडन और बात रिल में आगे हम करने वाले हैं ठीक है ना तो हम यहां पे अगर अमाइनो एसिड को कैरेक्टराइज ऐसा ध्यान दीजिएगा भाई आप लोग मेरा लेक्चर सुनते समय पढ़ते समय कहीं पर कोई डाउट अगर होगा आप तुरंत अपना कमेंट करिएगा मैं अक्सर आपके कमेंट देखता रहता हूं और हमारे तरफ से जो भी उसमें आपके डाउट को क्लियर करने के लिए किया जाना चाहिए मैं करूंगा और प्रयास करूंगा आपका डाउट क्लियर हो जाए कोई आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है ना तो इसका मतलब कि जो हम, हम जो हम करेक्ट्राइव करना चाहें कर को तो हम क्या बोलेंगे कि जब हम कभी बोलेंगे कि जो हमारा अमाइनो एसिड है कि हमारा जो अमाइनो एसिड है तो इनको हम करेक्टराइज करना चाहेंगे करेक्टराइज करना चाहेंगे तो हम कभी क्या बोलेंगे कभी हम बोलेंगे क्या? पे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड अमाइनो अमाइनो एसिड, एसिड जब भी इनको कहा जाएगा, तो इसका मतलब हम जानते हैं क्या है इसका मतलब होता है कि दोज अमाइनो एसिड्स विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्या ट्रांसलेशन यही बोलेंगे ना हम क्या लिख सकते हैं हम यहां लिख सकते हैं देखिए ऐसा दोज अमाइनो एसिड्स दोज अमाइनो एसिड्स विच आर इनकारटेड जुड़ते हैं डाले जाते हैं इनकारपोरेटेड इन पॉलीपेप्टाइड चेन जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो फाइनली प्रोटीन बना लेगी पालीपेप्टाइड चेन During the process of द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ translation, जब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस तो में जो अमाइनोसिड जुड़ते हैं जो पॉलीपेप्टाइड बनाने में यूज होते हैं वो कहलाते हैं स्टैंडर्ड कहलाएंगे हमारे स्टैंडर्ड अमाइनोसिडो कहलाएंगे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स ठीक है ना इसके विपरीत जो बाकी हैं हमने कहा कि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे के सारे कंपाउंड अमाइनो एसिड कहलाएंगे जिसके पास अमाइनो मतलब एनएच टू और एसिडिक मतलब सीओ ग्रुप पाया जाएगा तो वह सारे के सारे कंपाउंड अमाइनो एसिड है जिनके पास एनएस टू और सीओ ग्रुप पाया जाता है और ऐसे कंपाउंड की संख्या आप जानते हैं मोर देन 150 है कई जगह तो 300 तक संख्या बताई जाती है इसकी तो ढेर सारे हैं लेकिन उनमें से याद रखिएगा प्रॉपर्टी देखेंगे हम देखेंगे कि किसके पास एलिफेटिक चेन है किसके पास एरोमेटिक किस एडिशनल सल्फर है है ना किसका जो आर चेन है किसका पोलर है किसका नॉन पोलर है सब देखेंगे के करके। मतलब पूरे के पूरे जो ट्वेंटी टू है सबका इंडिविजुअल स्ट्रक्चर उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी और उनका जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है सबकी स्टडी एक एक करके हम करेंगे वो सब होगा लेकिन उसमें धीरे धीरे टाइम लगेगा भाई तो बेसिक बात आज भी हम कर ले रहे हैं तो उसमें से जिनका जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है ट्रांसलेशन के द्वारा पाली चेन बनाने में उन्हें हम कहते हैं क्या स्टैंडर्ड बोलते हैं और दूसरा जो टर्म कौन सा है नॉन स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड इसमें हम क्या कह सकते हैं एक लाइन में कि ऐसे अमाइनोसिट्स जो ट्रांसलेशन के थ्रू पॉलीपेप्टाइड चेन में इनकॉर्पोरेट नहीं होते या बोलें कि जो जाए बनाने में भाग नहीं लेते इन्वाल नहीं होते। उन हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड है ना, ना इनके लिए हम क्या कह सकते हैं कि डू नॉट डू नॉट इनकॉर्पोरेट नहीं शामिल होते डू नॉट इनकॉर्पोरेट इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन फॉर्मेशन ऑफ पालीपेप्टाइड चेन इन्हें कहा जाएगा क्या इन्हें कहा जाएगा नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड तो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड वर्ड दोनों इंपॉर्टेंट हैं और बहुत एक लाइन की बड़ी क्लियर कट यहां पे बाउंड्री है कि ऐसे अमाइनो एसिड जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया द्वारा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में प्रोटीन चेन बनाने में भाग लेते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है वो कहलाते हैं स्टैंडर्ड एसिड और इनकी संख्या हम 22 बोलेंगे, इनकी संख्या संख्या हम हम लोग बोलेंगे बोलेंगे और इनमें से ऑल द ट्वेंटी टू का वन बाय वन हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर उनका कैरेक्टराइजेशन और उनका फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी हम पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे उसके अलावा ऐसे सारे के सारे अमाइनो एसिड जो ट्रांसलेशन के थ्रू

आगे बढ़ा जाए तो आप समझेंगे कि हम स्टैंडर्ड की ही बात कर रहे हैं मतलब इस चैप्टर में हम लोगों को स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के बारे में ही डिटेल में पढ़ना है ठीक है ना यहाँ तक बात क्लियर होगी आप लोगों की कोई भी डाउट होगा तो आप लोगों से बताते रहिएगा वो तो डाउट को हम जरूर क्लियर करने का प्रयास करेंगे ठीक अब आगे देखिए दूसरी बात होती है कि हमारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं एक तो आपने कह दिया अगर मुझे अमाइनो एसिड को करेक्टराइज करना है क्लासिफाई करना है हमारे पास कई पैरामीटर्स हैं है ना हमने कहा कि हमको अगर अमाइनो एसिड को करेक्टराइज एंड क्लासिफाई करना हो तो हमारे कई पैरामीटर्स हैं और उन्हीं पैरामीटर्स में से एक था ये स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड तो हम स्टैंडर्ड किसे कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड कहते हैं इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए मैंने आपको समझा भी दिया हमने लिख भी दिया दूसरा पैरामीटर ये होता है कि अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रेफरेंस में रिस्पेक्ट में अमाइनो ग्रुप कहां लगा हुआ है आपने पढ़ा होगा कि कभी हम कहते हैं कि अल्फा अमाइनो एसिड है कभी बोलते हैं बीटा अमाइनो एसिड है कभी बोलते हैं गामा अमाइनो एसिड है और उसमें मेनली ये कहते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड सबके सब क्या होते हैं अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं तो अगली बार जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं या कैरेक्टराइज करते हैं तो हमारा बेसिस क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक के रेस्पेक्ट में अमाइनो ग्रुप कहां पे लगा हुआ है तो हम जरा उसको देख लेते हैं भाई कि हम क्या कहते हैं कि हम इसको जो कैरेक्टराइज करेंगे क्या ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ क्या एनएच टू ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन हम एनएच टू की पोजिशन देखेंगे पोजिशन ऑफ अमीनो ग्रुप एनएच टू टू ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप रेस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बॉक्सलिक ग्रुप को आप जानते हैं हम लोग ऐसे लिखते हैं किसे सीओ से न ऐसे लिखते हैं तो इस कार्बॉक्सिलिक ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो हमारा अमाइनो ग्रुप है वो किस पोजिशन पे है याद करिए हालांकि हमने इसका बेसिक आपको बताया था फिर मैं दोबारा बता दे रहा हूँ देखिए जरा साहब मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंपाउंड है हमने यहाँ पे लिख दिया देखिए ऐसे कुछ ये हमारा सी ओ ओ एच है ये सी ओ एच इसके बाद मान हमने यहाँ पे एक कार्बन लिखा है ऐसे हमने कार्बन यहाँ पे लिख दिया इस तरह से ऐसे कार्बन लिख दिया हमने अब कार्बन की वैलेंसी चार होती है जिनको इसको पूरा करने के लिए आप और ग्रुप लगाए जा सकते हैं सब ग्रुप कुछ और लगा सकते हैं आप लोग ऐसे लिख दिया हमने इस तरह से बांड लगा दिया हमने इस तरह से देखिए असल में हमने कहा कि ओ एच भी एक फंक्शनल ग्रुप है और टू भी एक फंक्शनल ग्रुप है लेकिन याद रखिएगा किसी कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो एक साथ जो होते हैं फंक्शनल की तरह व्यवहार नहीं करते है ना उनमें से भी उनकी क्या है उनकी सीनियरिटी आधारित है उनकी सीनियरिटी जो है वो डिसाइडेड है याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक में और अमीनो में जो कार्बोक्सिलिक है वो मोर सीनियर ग्रुप है यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ग्रुप को ही हम फंक्शनल मानेंगे अगर कार्बाक्सिले और कार्बोक्सिलिक दोनों है तो तो अगर अमीनो में क्या होता है दोनों ही होता है अमाइनो में दोनों ही होते हैं अमाइनो ग्रुप भी होते हैं और कार्बोक्सिलिक भी होते हैं लेकिन मेन फंक्शन कौन माना जाएगा कार्बोक्सिलिक माना जाएगा तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका जो होता है असल में वो

और इसी प्रकार से जब आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे होंगे ना तो वहां जो कार्बोनिल ग्रुप होता है एल्डिहाइड वाला उसको हम नंबर वन देते हैं तो जब आप कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो जो वहां पर जो सी एच ओ आएगा ग्लूकोज मान लिया आपने पढ़ा तो उसको नंबर वन देते हैं और जब आप पढ़ते हैं अमाइनो एसिड को तो इसको हम नंबर वन देते हैं हमारा ये कार्बन नंबर वन हो गया ये हमारा कार्बन नंबर टू हो गया ऐसे थर्ड कार्बन है ये सब सिंगल जो हमने बाइट दिखाया है

जो कार्बन कार्बोक्सिलिक के साथ जुड़ा होता है उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन यानी जो कार्बन नंबर टू है ना ध्यान दीजिएगा जो कार्बन नंबर टू है इसी कार्बन नंबर टू को क्या बोलते हैं हम अल्फा कार्बन कहते हैं ए अल्फा कार्बन है अल्फा कार्बन यानी कि जो कार्बोक्सिलिक के साथ जो कार्बन जुड़ा है वो कहलाता है अल्फा कार्बन यानी जो नंबर टू वाला कार्बन हमारा होता है अल्फा कार्बन कहलाता है इस अल्फा से जुड़े कार्बन को हम कहते हैं बीटा कार्बन कहते हैं इसका इसके बीटा जो कार्बन कैसे हम लोग गामा कार्बन कहते हैं इसके बगल वाले को हम बोलते हैं इसे डेल्टा कार्बन कहते हैं इसके बगल वाले को हम एप्सिलॉन कार्बन कहते हैं इस तरह से जब हम अमाइनो एसिड जब पढ़ेंगे तो हमारे हम देखेंगे वहां पे क्या हमने आपसे यही कहा था ना हमने कहा था कि यहाँ पे कार्बन होगा ये हाइड्रोजन होगा ये आपका सीओ ओ माइनस होगा ये आपका एन एच थ्री प्लस होगा ये इस सारे अमाइनो एसिड में पाए जाएंगे लेकिन जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं वो डिफर किस मामले में करेंगे तो इस कार्बन के साथ यहाँ चेन यहाँ पर एक आर आर चेन चेन जुड़ी होगी तो इसी के मामले में डिफरेंट एसिड डिफर करते हैं और बाकी जो इतना ग्रुप इतना पार्ट जो होता है वो सभी में कॉमन होता है ये बात आप ढंग से याद रखिएगा जो डिफरेंट जो ट्वेंटी टू टाइप के हम एसिड पढ़ने वाले हैं उनमें याद रखिए मैं इसको इंसर्किल कर रहा हूं जिसको मैं इंसर्किल कर रहा हूं इतना जो पार्ट होता है डिफरेंट क्या होता है कॉमन होता है जो 22 के 22 जो एसिड है उसमें इस कार्बन के साथ जो कि हमारा असल में अल्फा कार्बन है उसके साथ जो यहाँ पे ग्रुप लगेगा इसी ग्रुप में डिफरेंस होता है जिसको हमने आर चेन लिखा हुआ है या आर ग्रुप लिखा है इसी में डिफरेंस पाया जाता है कहीं पे आर की जहां पे हमने लिखा है कहीं पे खाली बस एच होता है जैसे ग्लाइसिन में कहीं पर सी एस थ्री होता है जैसे एलानिन में है ना तो इस तरह से याद रखिए यही आर का कंपोजिशन अलग अलग होता है बाकी इतना जो हमने येलो कलर से हमने यहाँ पे इंसर्किल किया है इतना पार्ट सभी में कॉमन होता है इसमें कोई कमी अंतर नहीं होता यही जो आपका आर लगा है इसी में डिफरेंस होता है और जब हम डिफरेंट ट्वेंटी टू टाइप के जब अमाइनो एसिड पढ़ेंगे के करके तो वहां देखा जाएगा कि किसमें आर कैसा है कहीं पर आर आपका एलिफेटिक चेन होगा कहीं पर ये एरोमेटिक हो जाएगा कहीं पर आप देखेंगे इसके पास कोई कोई चार्ज होगा कहीं पर ये न्यूट्रल होगा देखें कभी इस आर के अंदर भी एन एच थ्री ग्रुप है कभी देखेंगे आर के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है मतलब इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन पाए जाते हैं है ना ये बात आप अच्छी तरह याद रखिए तो अब देखिए क्या करिए मैं आपसे क्या कर रहा था कि इनके काउंटिंग के दो तरीका है तो जो हमारा ये आर चेन है ना इसी आर चेन में जो डिफरेंट है डिफरेंट टाइप के कार्बन यहां पे पाए जाते हैं तो इसी आर चेन को यहाँ पे हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सलॉन यही तक से हमारा काम चल जाता है हालांकि इसके अलावा भी थीटा नीटा गीटा ये सब होते हैं उसको छोड़ दीजिए आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन यहां तक से काम चलाइए ठीक हम क्या देखने जा रहे हैं कि हम क्या करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हम इस समय देखना चाह रहे हैं कि जो हम अमाइनो एसिड पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या बेसिस है यह है ऑन द बेसिस ऑफ क्या है पोजिशन ऑफ क्या एनएच टू एन एच टू ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिले का क्या पोजिशन है तो आप देख रहे हैं मैंने बताया कि इस जो हमारी आर चेन हुआ पर ऐसे यहां पर होगा तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जुड़े कार्बन को हम क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन कहते हैं उस अल्फा कार्बन जुड़े कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं बीटा के पड़ोसी को हम गामा कहते हैं तो याद रखिएगा

आपने यहाँ पे क्या किया यहाँ पर ऐसे आपने एच लगा दिया तो ये जो हमारे सामने जो अमाइनो एसिड है ये कैसा है क्या देखा जाएगा कि NH2 जो ग्रुप लगा हुआ है जो या प्लस जो ग्रुप लगा हुआ है वो किस कार्बन के साथ लगा हुआ है तो हमने जो अभी एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अल्फा कार्बन के साथ आपका एन प्लस लगा हुआ है इसलिए हमने जो एग्जाम्पल में लिखा है वो कौन सा है ये है अल्फा अमाइनो एसिड है हमारा अल्फा ये अमाइनो एसिड है ये हमारा अल्फा अमाइनो एसिड है ठीक है ना काउंटिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कार्बोक्सिलिक यहाँ पे जो हमारा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ लगे कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन के साथ अगर थ्री प्लस लगा हुआ है तो इसे बोला जाएगा अल्फा अमाइनो एसिड ठीक है ना और आप ये भी पढ़े हैं कि हमारे जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं हमारे जो बायोलॉजिकल अमाइनो एसिड्स हैं, जिनकी संख्या कितनी है बाईस है वो सब के सब क्या होते हैं अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं वो सब के सब अल्फा अमाइनो एसिड हैं, यहां पर आप नोट करके एक बात आप लिख सकते हैं नोट करके वो बात ये है कि ऑल द सारे के सारे ऑल द स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के सब जो होते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स जो हमारे पाली पेप्टाइड के पार्ट बनते हैं वो क्या होते हैं आर अल्फा, इस सब, के सब अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं इस सब हमारे सब अल्फा अमाइनो एसिड ही होते हैं याद रखना है इस पॉइंट को आप ढंग से याद रखेंगे कि हमारे जो 22 के 22 अमाइनो एसिड्स हैं सभी में जिस कार्बन के साथ आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है उसी कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं और उसी कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप भी जुड़ा होता है याद रखिएगा जिस कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है उसी कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप भी जुड़ा होता है और चूंकि उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं इसलिए इसको हम कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड अल्फा अमाइनो एसिड यानी अल्फा कार्बन के साथ अमाइनो जुड़ा होता है और अगली बात याद करनी है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कमिंग क्लासेज में हम एक एक करके सारे के सारे ट्वेंटी टू अमायन पर सफर करेंगे एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि जितने हमारे 22 के 22 जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं वो सब के सब अल्फा अमाइनो एसिड ही होते हैं यानी सभी में अल्फा पोजीशन पे ही अमाइनो लगा होता है लेकिन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो हो सकता है कि इस बीटा से अमाइनो लग जाए तो अगर इस बीटा कार्बन से अगर अमाइनो लग जाएगा उसे तो कहा जाएगा बीटा अमाइनो एसिड कहा जाएगा है ना मान लीजिए मुझे अगर अरे फिगर दिखानी हो आपको कैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि हमारे पास ये है सीओओ एच इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया इसके बगल वाला एक कार्बन हो गया इसके बगल में और मान लू मैं कार्बन ऐसे दिखा लू मान लीजिए इस बार मैं कहूं कि अब देखिए जैसा अगर मैं इनकी नंबरिंग करूं तो हमने आपसे कहा कि कार्बोक्सिलिक कार्बन के साथ जो कार्बन लगेगी इसे क्या बोलें? इसे बोलेंगे इसे हम बोलेंगे अल्फा कार्बन हमारा अल्फा कार्बन हो गया इसके बगल में आपका बीटा कार्बन हो गया इसके बगल में आपका गामा कार्बन हो जाएगा यही होगा तो मान लीजिए अगर इस बार मैं कह दूं कि हमने इस बीटा कार्बन से एन एच टू ग्रुप या एन एच थ्री प्लस ग्रुप लगा दिया है ये लगा दिया और यही प्रमाण आपका यहाँ पे एच लगा दिया तो इस बार अगर मुझे इस अमाइनो एसिड को करेक्टराइज करना हो या क्लासिफाई करना हो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पोजीशन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो अमी, अमीनो ग्रुप है उसकी क्या पोजीशन है तो आप साफ साफ देखने के बाद बीटा पे लगा हुआ तो क्या कहलाएगा ये आपका कहलाएगा बीटा अमाइनो एसिड आपका हो गया बीटा अमाइनो एसिड है ना लेकिन हमारे जो बायोलॉजिकल एसिड्स हैं जो हमारे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन को फॉर्मेशन करते समय इनकारपोरेट होते हैं उनमें से कोई बीटा एसिड नहीं होता वो सब के सब अल्फा होते हैं बात मैं आपको पहले बता चुका हूं इसी तरह से मान लीजिए आप अमाइनो को आप यहां लगाए गामा पे लगा दीजिए तो कहलाएगा आपका गामा अमाइनो एसिड हाँ एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि कई ऐसे हमको मिलेंगे एसिड मान लीजिए हमने कहा कि चलिए सी आपका ये ये है और हमने हमने कर दिया, CO, o, हमने कर दिया दिया प्लस ऐसे आपका हो गया तो चलिए अगर हमसे कोई पूछेगा ये कौन एसिड है तो मैं कह दूंगा कि हमारा कौन सा है ये हमारा अल्फा एसिड है लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो हमारा ध्यान दीजिए जो हमारा कार्बन है इसके साथ जो अब साइड चेन लगेगी तो इस आप देखिए अगर मैं इसकी नंबरिंग करना चाहूं देखिए जैसा तो मैं कहूंगा कि हमारा ये कौन सा है देखिए ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया इसके साथ लगा कार्बन आपका अल्फा कार्बन हो गया और इसी के साथ आप जानते हैं आर चेन लगती है तो इस आर चेन में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे और कई कार्बन हो सकते हैं और हो सकता है कि यहां पे इस कार्बन से ध्यान दीजिए हो सकता है NH2 ग्रुप यहां पर भी लग जाए ऐसा या NH3+ यहां पर भी लग सकता है है ना यानी कि हम देखेंगे कि ये वाला तो आपका स्त्री है ही है जो अल्फा पोजिशन पर है ये आपका अमाइनो ग्रुप क्या है अल्फा अमाइनो ग्रुप है तो आपका जो मेन ध्यान दीजिएगा जब हम मेन यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा जो अमाइनो अमाइनोसिड है अल्फा है कि बीटा है कि गामा है तो मेनली हम उस अमाइनो ग्रुप को देखते हैं जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले जो लगा कार्बन कार्बन लगा है इसके साथ लगा है ये देखा जाएगा लेकिन हो सकता है कि हमारे अमाइनो एसिड में और भी अमाइनो ग्रुप पाए जा सकते हैं तो हमसे जब कहा जाएगा ये बताओ ये कौन सा है ये किस पोजीशन पे है ये वाला तो आपका अल्फा हो गया लेकिन इसी जो हमारी कार्बन चेन है इस कार्बन चेन के अंदर और भी यहाँ पे अमाइनो ग्रुप हो सकते हैं तो अगर मुझे मुझसे अगर इस अमाइनो ग्रुप के पोजिशन के बारे में पूछा जाएगा यानी जो हमारी जो ध्यान दीजिएगा इसी को हम आर चेन कहते हैं ना ये हमारा आर चेन है ये हमारा आर चेन है पार्ट तो सभी में कॉमन रहता है इसी आर चेन के मामले में डिफरेंस होता है तो जो हमारी आर चेन है उस आर चेन के अंदर भी अमाइनो एसिड लगे हो सकते हैं या अमाइनो ग्रुप लगे हो सकते हैं तो उस कंडीशन में क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा अब इसको हम क्या बोलेंगे तो देखिए जैसा अगर आपका ये अल्फा है ये वाला कौन सा है बीटा है ये कौन सा है गामा है ये कौन सा है आपका डेल्टा है इसका मतलब कि जो ए अमाइनो है कौन सा है डेल्टा अमाइनो है डेल्टा अमाइनो है और हमारे जो और एसिड्स हैं तो उसमें इस डेल्टा वाले के आगे भी एप्सलान कार्बन तक होता है और उस एप्सलान कार्बन तक भी अमाइनो ग्रुप जुड़े होते हैं हम आगे देखने वाले हैं तो इस अमाइनो की पोजीशन भी आपको बताने आना चाहिए है ना यानी अगर किसी अमाइनो एसिड में मोर देन वन एन एन थ्री प्लस देखिए यहां पर ए है और एक यहां पर है तो सबको ही अल्फा मत कहिएगा इसमें जो ये वाला है वो कैसा है वो तो अल्फा है लेकिन ये जो अमाइनो है ये अल्फा नहीं है काउंटिंग कर लीजिएगा कि ये कार्बन आपका हमारा देखिए कार्बोक्सिलिक के साथ जुड़ा कार्बन हमारा अल्फा कार्बन होता है इस अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन बीटा कार्बन होता है बीटा का अगला पड़ोसी गामा होता है गामा का पड़ोसी डेल्टा होता है उसका पड़ोसी एप्सिलॉन होता है तो जब हमसे इस अमाइनो की बात पूछी जाएगी तो मैं इसको अल्फा नहीं कहूंगा ये हमारा कौन सा है डेल्टा अमाइनो ग्रुप है यानी हमारे इस मालिक्यूल में दो प्रकार के अमाइनो ग्रुप हैं एक हमारा अल्फा अमाइनो ग्रुप है और एक हमारा डेल्टा अमाइनो ग्रुप है इस तरह से मालिक्यूल में मोर देन वन अमाइनो ग्रुप हो सकते हैं और उनकी पोजीशन भी अलग अलग हो सकती है उसमें उसमें देखिए जितने भी हमारे फिड हैं सब में ए वाला अमाइनो ग्रुप अवश्य पाया जाता है अल्फा वाला अवश्य पाया जाता है तो अल्फा तो सबके सब होते हैं ध्यान दीजिएगा जब हम अल्फा बीटा करेक्टराइज कर रहे होते हैं या बता रहे होते हैं या कैटेगराइज कर रहे होते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा इस कार्बो हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जो कार्बन है देखिएगा वहां पे अमाइनो लगा है कि नहीं लगा है तो हमारे जो ट्वेंटी टू अमाइनो एसिड्स हैं

होते हैं हो सकते हैं और जिनके अंदर ये आर चेन के पास अमाइनोशिड होते हैं ध्यान दीजिएगा अब इस अमाइनो की पोजिशन बोलेगा तो आप हमेशा अल्फा मत बोलिएगा इसकी पोजिशन तो अल्फा है लेकिन इसकी पोजिशन कहां है याद रखिए अल्फा कार्बन जुड़ा कार्बन बीटा कार्बन कहलाता का है बीटा से जुड़ा कार्बन गामा कहलाता है गामा से जुड़ा कार्बन डेल्टा कहलाता है डेल्टा से आगे जुड़ा कहलाता है तो देखिएगा ये कौन सी पोजिशन पे है ये हमारा कहां पर है डेल्टा पोजिशन पर है हमारे इस में तो सारे अमाइनो ग्रुप को आप अल्फा मत कहिएगा हाँ अल्फा ये है लेकिन एक ऐसा हमारा डेल्टा है ठीक है ना ये बात आप जरूर याद रखेंगे तो इस तरह से हमारे जो अमाइनो शूड होते हैं उसमें ये बात हमको देखने को मिलती है तो मैंने क्या कहा कि अगर हम एसिड को अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं अगर उसका हम वर्गीकरण कर रहे हैं तो उसके तमाम क्राइटेरिया होते हैं उसमें से हमने पहली क्राइटेरिया क्या बताई थी ये बताई थी कि हमारा जो एसिड है वो प्रोटीन सिंथेसिस के समय पॉलीपेप्टाइड चेन में इनकॉर्पोरेट होता है कि नहीं होता है या हमारे को कोई हमारा जो जेनेटिक कोडन है वो कोड करता है कि नहीं करता है तो आप मैंने बाप आप से बताया कि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारे के सारे कंपाउंड ही एसिड हैं जिनके पास ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक होता है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और इनकी संख्या डेढ़ से ज्यादा कहीं कहीं तीन तक मैं होता है लेकिन ध्यान दीजिएगा उन डेढ़ सौ से ज्यादा जो एसिड हैं केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें से मैंने बताया आपसे कि खाली 22 हैं खाली 22 हैं जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस के समय या प्रोटीन सिंथेसिस की के समय क्या होते हैं हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन का हिस्सा बनते हैं उसमें होते हैं और उन्हें कहा जाता है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड और जो हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन में नहीं लगते हैं नहीं इन्वॉल्व होते उसे कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड दो कैटेगरी हमारी ये हो गई फिर हम आगे बढ़ते हैं और बताने के लिए हमें बताते हैं कि जब हम इसकी नंबरिंग कर रहे होते हैं तो इस कार्बोक्सिलिक के रिस्पेक्ट में जो हम देखते हैं कि कोई कार्बन अल्फा है कोई बीटा है कोई गामा है तो कार्बोक्सिलिक के रिस्पेक्ट में यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जो डायरेक्ट जुड़ा होता है उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन उसके पड़ोसी कहते हैं बीटा कार्बन उसका पड़ोसी होता है गामा कार्बन तो इस तरह से हमारा जो अमाइनो ग्रुप है वो कहाँ लगा हुआ है तो हमने आपको बताया कि हमने आपको भी दिखाया था कि वो अल्फा पोजीशन पे लग सकता है इसके पहले वाले फिगर में दिखाया था देखिए बीटा पे लगा हुआ है ठीक है ना तो ये जो एन जो है वो किस कार्बन के साथ अगर यहां लग गया तो बोलेंगे अल्फा माइनोसिड यहाँ लग गया बीटा माइनोसिड यहाँ लग गया गामा गाइनोसिड यहाँ लगेगा डेल्टा डेल्टाइनोसिड कहलाएगा लेकिन मैंने आपसे कहा कि जो हमारे बाईस माइनोसिड हैं वो सारे के सारे जो बाइस अमाइनोसिड हैं ट्वेंटी टू माइनोसिड हैं उन सभी में इस अल्फा कार्बन पर ही अमाइनो ग्रुप लगा होता है इसलिए हमारे जो बायोलॉजिकल अमाइनो बायोलॉजिकलोसिड हैं हमारे जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं सब के सब के क्या होते हैं अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं ये बात हमने आपको यहाँ पे दिखाया था देखिए ये जो अल्फा पोजीशन है यही ग्रुप लगा होता है इसीलिए देखिए मैंने लिखा है कि ऑल द स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आर अल्फा अमाइनो एसिड्स तो हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है इसमें तो सबके सब अमाइनो एसिड ही हैं लेकिन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा अमाइनो अल्फा भी हो सकता है हो सकता है बीटा कार्बन से लग जाए तब बीटा कहलाएगा एसिड हो सकता है ग... गामा के साथ लग जाए डेल्टा के साथ लग जाए या एप्सिलॉन के साथ भी लग सकता है लेकिन हमारे बाइको सिस्टम में क्या होते हैं सबके सब अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं आई थिंक यहाँ तक मेरी बात में कोई आपको डाउट नहीं होगा कि हम अमाइनो एसिड को कब हम बोलेंगे क्या कब हम बोलेंगे कि वो हमारा स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है और कब बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड अमाइनोसिड है इसी प्रकार कब हम बोलेंगे कि अल्फा माइनोसिड है कब बोलेंगे बीटा माइनोसिड है कब बोलेंगे गामा माइनोसिड है तो जिस कार्बन के साथ अमाइनो जुड़ा होगा आप देखेंगे कि वो अल्फा कार्बन है कि बीटा कार्बन है कि गामा है कि डेल्टा है कि एप्सिलॉन है कैसे तो काउंटिंग करते हैं मैंने बता दिया था कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जुड़े कार्बन को अल्फा कहते हैं अल्फा जुड़े कार्बन को बीटा कहते हैं इसके बगल वाले को गामा कहते हैं तो जिसके साथ भी आपका अमाइनो लगा रहेगा वैसा अमाइनो एसिड कहलाएगा और मैंने आपसे कहा कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जितने बाईस एसिड हैं जिनको हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड उन सभी में अल्फा कार्बन के साथ ही अमाइनो ग्रुप जुड़ा होता है इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे सारे के सारे जो स्टैंडर्ड अमाइनो अमाइनोसिड है सबके सब क्या होते हैं सब के सब अल्फा एसिड होते हैं तो इस तरह से अल्फा एसिड क्या होते हैं आप तरह समझ अगला जो हम कैरेक्टर बताते हैं याद रखिएगा वो ये बताते हैं याद करिए जब हम लोग जनरल लेक्चर पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री में तो वहां पर हमने आपको बताया था यहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताया था वहां पर हमने आपसे कहा था एक काइरल कार्बन की बात हम लोगों ने क्या याद करिए सारी बात आप देख चुके हैं तो देखिए होता क्या है कि हमारा एक अणु ऐसा है मान लीजिए मैं कहूँ हमारे पास ये अमीनो एसिड है ए सी ओ ओ या ऐसे लिख लें हां कर लेते हैं सी ओ ओ माइनस यहां पर मान ले हमने एच कर दिया

एक कायरल कार्बन कहा गया था और यही बात हमने आपसे कहा था कि जिस मालिक्यूल अगर, one, अगर हो, तो मालिक्यूल हमारा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ये सारी बात हमने आपके साथ बहुत ढंग से डिस्कस किया हुआ है आगे भी थोड़ा और देख लेंगे लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर मैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ और बात करूं तो हमारे पास ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जो 19 अमाइनो एसिड है 19 अमाइनो एसिड याद करिए हम लोग बात कर चुके हैं 19 जो अमाइनो एसिड होते हैं ध्यान दीजिएगा 19 20 में से 19 याद रखिए उनमें ये कायरल कार्बन अवश्य पाया जाता है और आप जानते हैं कि जिन मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन होता है वो क्या करते हैं आज करिए हम लोग पढ़े थे हम लोग पढ़े थे प्लेन पोलराइज लाइट ऐसा लाइट याद रखिए जिसके वेव्स की वाइब्रेशन खाली सिंगल प्लेन में होती है वो कहलाता है प्लेन पोलराइज लाइट याद करिए मैं इसका डिटेल डिटेल आपको बता चुका हूं पूरा डिटेल हमने जब हम जनरल बायोकेमिस्ट्री या बेसिक आप डिस्कस कर रहे थे तो सारी बात हमने बताया है और आप में जो लोग हमारे साथ शुरू में जुड़े हैं सारी बातें जानते हैं हालांकि मैं यहां पर भी थोड़ा थोड़ा हिंट करता जा रहा हूं वो तो क्या करेगा कि जिस मालिक्यूल में ऐसा कार्बन हो जिससे चार अलग अलग ग्रुप जुड़े हों इसे कहते हैं इस कार्बन का नाम है कायरल कार्बन और जो कायरल कार्बन वाला जो मालिक्यूल होता है वो क्या करता है प्लेन पोलराइज लाइट यानी पीपीएल जिसे हम कहते हैं उसके प्लेन को घुमा देता है आप जानते हैं और ऐसे मालिक्यूल जो पीपीएल के प्लेन को घुमा देते हैं वो कहलाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव यानी सबके सब क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं आपने पढ़ा है याद करिए कि जो लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएगा उसे कहा गया था डेक्सटो रोटेटरी कहा गया था और उसको हम लोगों ने स्मॉल डी अथवा प्लस से लिखा था ये सारी बात आपको याद होगी तो जो लाइट के प्लेन को घुमाएगा क्लाक में याद करिए उसको हम लोगों ने क्या लिखा था? लिखा था था स्मॉल डी अथवा प्लस है ना और, उसे कहा था, और इसके अपोजिट जो एंटी क्लाक डायरेक्शन में या उसको हम कहते हैं काउंटर क्लाक वाइज डायरेक्शन में घुमाएगा उसे कहा गया था उसे हम लोगों ने लेबोरेटेटरी कहा था और उसे स्मॉल माइनस से लिखा जाता है इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बस एक अमाइनो एसिड है जिसके पास काइरल कार्बन नहीं होते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है बार बार पूछा गया है उसको मैं यहां लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा वो आपका होता है देखिए सी यहां पर हो गया मान लीजिए यहां हमने कर दिया मान लीजिए सी और यहां पर हमने एच कर दिया यहां पर हमने यहां पर एन एच थ्री प्लस कर दिया और यहां पर भी एच होता है ध्यान दीजिएगा ये आपका है ग्लाइसिन ग्लाइसिन नाम का जो अमाइनो अमाइनोसिड याद रखिएगा इसके पास जो कार्बन है देखिए ये कायरल कार्बन नहीं है कायरल कब बोलेंगे जब चारों ग्रुप जो होते हैं डिफरेंट हूं ऐसा कार्बन जिसे फोर डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए कहलाता है कार्बन याद रखिएगा कि जो हमारा ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है वहां देखिए इस कार्बन के साथ दो सिमिलर ग्रुप दो हाइड्रोजन जुड़ गए है ना यानी चारों डिफरेंट नहीं हुए देखिए ये डिफरेंट है ये डिफरेंट है ये दोनों सेम हो गए है ना दो एच सेम हो गए यानी जो आर चेन होती है उसकी जगह पे ग्लाइसिन में क्या होता है हाइड्रोजन होता है इसलिए ध्यान दीजिएगा ये कार्बन क्या है नॉन कायरल है ये क्या है नॉन कायरल है यानी इसके साथ जो ये कार्बन है इससे चारों अलग, अलग अलग ग्रुप नहीं जुड़े हुए हैं ये नॉन कायरल है और जो नॉन कायरल होते हैं याद रखिएगा वो कंपाउंड जो होते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को नहीं घुमा पाते हैं यानी वो ऑप्टिकली इनेक्टिव होते हैं तो इस बात को आप याद रखेंगे कि जो 22 में से या बीस जो भी आप समझे उसमें से एक जो हमारा है, नाम क्या, है? वो क्या होता, है? वो होता है उसका उसके पास कोई कायरल कार्बन नहीं होता है और नॉन कायरल होने के नाते कैसा होता है ये ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है ऑप्टिकली ये इनेक्टिव है ये लाइट के प्लेन को नहीं घुमा पाएगा और इसी को छोड़ के बाकी जितने बच गए वो सब के सब जो होते हैं उनके पास एक कायरल कार्बन पाया जाता है इसीलिए सब के सब क्या होते हैं ये सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ये भी पॉइंट हमको अमाइनो एसिड के बारे में याद करना है कि सारे के सारे जो अमाइनो एसिड हैं एक को छोड़ के बस इसी ग्लाइसिन को छोड़ दीजिए तो इस ग्लाइसिन के पास देख रहे हैं कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन समान हो गए इसलिए यहाँ पे कार्बन इसका कायरल नहीं है याद करना है जो एक्सेप्शनल है वो हमारे लिए क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है तो ग्लाइसिन कैसा है नॉन कायरल है और जो नॉन कायरल होगा जिसके पास कायरल कार्बन नहीं होगा वो लाइट प्लेन को घुमा नहीं पाएगा उसे हम कहेंगे ऑप्टिकली इनेक्टिव तो बस यही एक हमारा ऑप्टिकली इनेक्टिव है और बाकी जो बच गए हमारे एक कई वो सबके सब क्या होते हैं उनके पास एक कायरल कार्बन होता है और एक कायरल कार्बन वाले क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं

तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे हालांकि मैं मैं उसको बता बता चुका हूं अगले क्लास में मैं मर को बता दूंगा तो किसी भी, किसी भी तो तो से का आप कई हो गए से निकाल दीजिए इक्कीस बचे इनकी संख्या कई है हम याद करिए था हमने कहा था कि इनके दो फार्म होंगे ना जिनके पास कायरल कार्बन होते हैं उनके दो ऑप्टिकल एक्टिव फार्म होते हैं और वो दोनों आपस में मिरर इमेज होते हैं अगर मेरी मेरी पहली क्लास से आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था और उसके हिसाब से मैंने कहा था कि कम से कम इसके दो फार्म तो होंगे ही एक ऐसा हो मान लिया आपके सामने लिखा हुआ है ऐसे मिरर खड़ा कर दीजिए तो मिरर क्या करेगा उनके लेटरल को बदल देगा इन क्या करेगा कि जो राइट साइड में लिखा है उसको लेफ्ट में लिख दीजिए और लेफ्ट वाले को राइट में लिख दीजिए दो फार्म मिल जाएंगे ये दोनों आपस में इनमर कहलाते हैं तो ये जो दो, दो फार्म मिलेंगे उसमें एक अगर आपका लाइट के प्लेन को क्लाकवाइज में घुमा रहा है यानी अगर डेक्सोरेटेटरी है तो अगला वाला जरूर कैसा होगा लिबोरेटेटरी हो जाएगा याद रखिएगा हमारे जो एक कई सामाइनो एसिड्स हैं मतलब ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी जो है वो सबके सब क्या होते हैं वो कायरल कार्बन वाले होते हैं उनके पास से जो यानी जो हमारा अल्फा कार्बन होता है ये क्या होता है ये हमारा काइरल होता है उसी को एसिमेट्रिक भी कहा जाता है है ना तो जिस कार्बन के चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं वो कहलाता है काइरल अथवा एसिमेट्रिक कहलाता है और इक्कीस हमारे पास है जिनके पास काइरल कार्बन है और काइरल कार्बन वाले क्या करेंगे इनसियोमेरिजम शो करेंगे याद रखिए हम इनसियोमेरिजम पढ़े हुए क्या होता है पढ़े याद रखिएगा तो इनियोमेरिजम शो करेंगे उसमें से दो फार्म हमारे हो जाएंगे एक हमारा डी फार्म होगा और एक हमारा एल फार्म होगा तो अगला पॉइंट हमारे हमने क्या जोड़ा कि हमारे जो एसिड होते हैं उसमें से एक जो ग्लाइसिन है इसको छोड़ दिया जाए जो कि नॉन कायरल होता है बाकी बचे सारे के सारे जो होते हैं कायरल होते हैं इसलिए वो इनशियोमर बनाते हैं दो फार्म अवश्य बनाते हैं और उन दो फार्म में से एक जो होता है लाइट को घुमाता है क्लॉकवाइज में यानी उसे कहते हैं डी फार्म है और एक घुमाता है काउंटर क्लॉकवाइज में मतलब एंटी क्लॉकवाइज में हमारा एल होता है के बाद हमने आपको पहले भी बता दिया था जनरल टॉपिक में और यहाँ पर भी हम स्पेशली अपने आप को फोकस किए हैं कहां पर अमाइनो एसिड पे वहां पर भी बात हमारी सामने आ गई ठीक है ना इसके अलावा याद रखिए इसके बाद जब और आप क्लासिफाई करते हैं याद करिए हम लोग ये पढ़े थे कि एबसुलूट कॉन्फ़िगरेशन, एबसुलट कन्फिग्रेशन के हिसाब से हमने बताया था, आपको याद करिए हम अपने को करते हैं। हम सकते और अब आप में से जो लोग हमारा जनरल क्लास देखे होंगे बायो केमिस्ट्री का उनको मालूम होगा कि एब्सुलट कंफिगुरेशन क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ एबसुलट कन्फिग्रेशन तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से याद करिए हम लोगों ने मालिक्यूल के दो फार्म कहे थे उसमें एक को हमने कैपिटल डी फार्म कहा था और एक को हमने कैपिटल एल फार्म कहा था और इसका हमने बेसिस कहां से लिया था हमने ग्लिसरल डिहाइट इसका बेसिस लिया था तो खैर वो डिटेल में नहीं जाते हैं ओ डिटेल सारा का सारा मैं आपको पहले बेसिक वाले में पढ़ा चुका हूं तो उसको उस, 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 उस लेक्चर का आप देख लीजिएगा यहां पे क्या देखा जाता है कि जो अल्फा कार्बन है अल्फा कार्बन उस अल्फा कार्बन पर जो अमाइनो ग्रुप है वो किधर है अल्फा कार्बन पे अमाइनो ग्रुप किधर है इसके बेसिस पर हम यहाँ पे अमाइनो एसिड को हम कैपिटल डी अथवा कैपिटल एल कहते हैं और वहां पर हमने आपको ये बताया था याद करिए मान लिया आपका कार्बन हो गया सपोज करिए यहाँ पर मान लीजिए हमने यहां लगा दिया सीओओ माइनस मान लीजिए अगर मैं बाएं तरफ लगा देता हूं इस एन एस थ्री प्लस को याद रखिए ऐसा ये आपका यहाँ पे आर ग्रुप हो गया तो क्या देखा जाएगा ये यही ये, ये आपका कार्बन अल्फा कार्बन होता है ध्यान दीजिएगा ये मैं आपसे बार बार कह चुका हूं मैंने काउंटिंग करके दिखाया था कि ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना इसके साथ जो कार्बन लगेगा इसी को अल्फा कार्बन कहा जाता है तो इसी अल्फा कार्बन पे आप जानते हैं आपका अमाइनो ग्रुप लगा होता है है ना इसीलिए सारे जो अमाइनो एसिड हैं, वो कहलाते हैं अल्फा अमाइनो एसिड कहलाते हैं तो अब ये जो अल्फा जो अमाइनो ग्रुप है अब देखिए कि ये हमारे मालिक्यूल में या अमा कि किधर लगा है लेफ्ट में लगा है कि राइट में लगा है तो याद रखिए अगर ये अल्फा कार्बन पर जो अमाइनो है लेफ्ट में लगा है इसे कहेंगे एल फार्म कहेंगे ये हमारा एल फार्म है ये हो गया है ना और मान लीजिए अगर मैं इसी को अगर इधर लगा दू अमाइनो को मैं राइट में कर दू मान लो हमने ऐसे लिख दिया होता हम लिख दिए यहां पर ऐसे कार्बन ये हमारा सी ओ ओ माइनस और इधर जो हमारा लेफ्ट में था अमाइनो इसी को उठा कर राइट में लगा दीजिए इसको आप लगा दीजिए यहाँ पे राइट में इस तरह से एच लगा दीजिए यहाँ पे आर लगा दीजिए तो आप देख पा रहे हैं साफ साफ कि हमारा जो ये अल्फा कार्बन है इस पर अमाइनो राइट में लग गया ना तो अगर राइट में लग जाएगा सब क्या कहलाएगा आप कहलाएगा आपका डी फार्म कहलाएगी इसको हम लोग डी फार्म कहते हैं तो क्या देखा जाता है ये अमाइनो एसिड को कैरेक्टराइज करते समय हमने कहा कि क्लासिफाई करने के तमाम पैरामीटर्स हैं इसमें तीन चार मैं बता चुका हूं एक डिस्कस कर रहा हूं इस समय अभी आपके साथ तो अल्फा कार्बन पे एन टू की दिशा किधर है लेफ्ट में लगा हुआ है कि राइट right में लगा हुआ है अगर लेफ्ट में लगा है तो इसको कैपिटल एल फार्म और अगर यही राइट right में लगा है तो इसको हम क्या कहेंगे कैपिटल डी ऑफ अमाइनो एसिड कहेंगे और आपने पढ़ा है कि हमारे जितने भी ऑल द ट्वेंटी टू हमारे जो बायोलॉजिकल अमाइनो माइनोसिट्स हैं जो हमारे स्टैंडर्ड अमाइनो माइनोसिट के सब क्या होते हैं सब के सब हमारे एल फार्म में होते हैं ये दो पॉइंट आप अवश्य याद रखेंगे कि हमारे जो 22 बाइस एसिड्स हैं जो पाली चेन बनाने में भाग लेते हैं जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में बनाने में इनकारट होते हैं जो हमारे कोडन द्वारा कोड किए जाते हैं सब बात एक ही में बोल रहा हूं अपने सेंटेंस को बदल बदल के सबका मतलब एक ही है वो कहलाते स्टैंडर्ड एसिड उनकी संख्या कितनी है बाईस है और सारे के सारे जो बाइसों होते हैं सब के सब जो होते हैं अल्फा एसिड होते हैं और सब के सब एल फार्म होते हैं सब के सब एल फार्म होते हैं है ना तो डी फार्म हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का या स्टैंडर्ड हमारे अमाइनोसिड में कोई यहाँ पे डी फार्म नहीं होता हाँ दूसरे और केसेज में पा जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि यहाँ पे डी डी फार्म हम हम जब हम बैक्टीरियल सेल वाल पढ़ते हैं वहाँ पर मिल जाता है हमको मिलता है यानी वो भी नेचर में पाए जाते हैं लेकिन हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम में हैं जिनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड अमाइनोसिड वो सब के सब जो होते हैं एल फार्म होते हैं यही अगर आपका राइट साइड मिल दिया इसको हम लोग डी फार्म कहेंगे तो हमारे जो होते हैं वो नहीं है सब, के सब क्या ठीक है? है।, है ना इसके अलावा भी अमाइनो एसिड को करेक्टराइज और क्लासिफाई करने के और पैरामीटर्स हैं जैसे हम क्या करेंगे ये जो आर लगा है ना इस आर के नेचर के हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करेंगे जितनी भी रेफरेंस बुक है इसी पॉइंट को ज्यादा दिया गया है ज्यादा उसको महत्व दिया गया है कि इस आर के करेक्टर के बेसिस पर हमारे अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन किया जाता है इस आर चेन के बेसिस पर के आर चेन पोलर हो सकती है नॉन पोलर हो सकती है है ना इसी प्रकार से हम देखेंगे कि हमारे अमाइनो एसिड जो होते हैं कौन कौन से एसिडिक एसिड्स हैं कौन कौन से बेसिक एसिड भी देखा जाएगा और कौन से न्यूट्रल एसिड होते हैं इसी प्रकार से हम देखेंगे कि आर चेन जो होती है कभी कभी एलिफेटिक होती है और कभी कभी एरोमेटिक होती है मतलब होती है तो जिनमें आर चेन हमारी एरोमेटिक हो जाएगी वो हमारा कहलाएगा एरोमेटिकमाइनो एसिड यानी आधार पर इसको भी देखा जाएगा इसी प्रकार हम देखेंगे कि कुछ केस में जो यहाँ पर जो होता है ये प्राइमरी अमाइनो ग्रुप होता है अब एक ऐसा अमाइनो एसिड है जहाँ पे ये सेकेंडरी ग्रुप होता है प्रोलिन आपने पढ़ा होगा प्रोलिन और ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है तो जो सेकेंडरी ग्रुप होता है वो भी एक अमाइनो एसिड में है तो इस बेसिस पर हमारे जो 22 में से 21 होते हैं वो हमारे होते हैं प्राइमरी अमाइनो एसिड होते हैं और जो एक है प्रोलिन हमारा सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप वाला होता है असल में उसको हम ऐसे एन से लिखते हैं तो बाकी जो हमारे इक्कीस हैं उनमें ये एन होता है और इसका प्रोटोनेटेड फार्म ऐसे एन एच थ्री प्लस लिखा मिलता है तो 22 में से जो हमारे इक्कीस माइनो एसिड है वहां पे एन एच टू अथवा है और एक हमारे पास है जिसका नाम है प्रोलिन हम आगे क्लास में इसकी स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे वहां पे एन एच ग्रुप होता है और इसका जो प्रोटोनेटेड फार्म होता है वो क्या होता है ऐसे यहाँ पे एन एच टू प्लस हो जाएगा इसको असल में एन एच को इमिनो ग्रुप कहते हैं इमिनो आई एम आई एन ओ ये इमिनो ग्रुप होता है तो जो प्रोलिन है असल में वो इमिनो एसिड है और बाकी सब क्या है एमिनो एसिड है तो इनको भी हम क्राइटेरिया में शामिल करेंगे इस तरह से अभी ऐसी प्रकार से आपने पढ़ा है कि हमारे जो डाइट में किसका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है किसका इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है या ये कहा जाए कि हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो किन अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज कर सकता है और को नहीं कर सकता है उसके बेसिस हम एसेंशियल नॉन एसेंशियल भी कहते हैं ये सारे और जो क्राइटेरिया हमारे जो बचे हुए हैं उनको अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे तो आज हमने क्या किया था याद करिए कि जितनी बातें हमने अपने बेसिक्स साफ बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करी थी उसी का देखिए यूज यहाँ पे बार बार हो रहा है और पूरी पूरी बायो, में भी बायो पढ़ेंगे। तो जो में शुरू में चार पांच थे, बेसिक करने में कोई आपको नहीं होगी हो हो जैसे आज मैं अमाइनो एसिड खाली बात कर रहा हूं और उनको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं उनको कैरेक्टराइज कर रहा हूं उनको क्लासिफाई कर रहा हूं और उसमें वही सबके सब टर्म आ रहे हैं कभी आप देख रहे हैं कि अल्फा हम कभी कैपिटल डी कैपिटल एल आ गया कभी स्मॉल डी स्मॉल एल आ गया कभी अल्फा बीटा गामा आ गया ये सारी बातें हमने पहले भी डिस्कस किया था और वही ला के यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं और इसको डिटेल में सारी बातें आपको तो मैंने पढ़ा दिया था इसलिए यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है और अगर आपने भी क्लास ढंग से देखा होगा तो आपको परेशानी नहीं हो रही होगी इस तरह से अगले क्लास में हम लोग इसका और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इस आर चेन के बेसिस पर हमारे जो अमाइनो एसिड हैं उनके कौन कौन से कैटेगरी होती हैं तो बस आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं इस उम्मीद के साथ कि ये सारी क्लासेस आपके लिए बड़ी यूजफुल हो रही होंगी आप बातों को ढंग से समझ पा रहे होंगे और आपकी तैयारी में निश्चित रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे ठीक है ना तो इस तरह से आज की क्लास यहीं पर हम रोकते हैं अगले क्लास में इसके आगे के पार्ट के साथ फिर दोबारा हम जुड़ेंगे तब तक के लिए Thanks to all of you and goodbye.